हेलो फ्रेंड्स, आर्य क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके पहले हमने दो क्लास में पढ़ चुके हैं, एक पढ़े हैं सिंधु नदी तंत्र और कल पढ़े थे हम लोग गंगा नदी तंत्र। एक बचा हुआ था हिमालय नदी के बारे में, एक बचा हुआ था कौन सा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज उसी के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये है नॉर्थ ईस्ट का। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में जो 7 राज्य हैं उसके बारे में बता देते हैं कौन कौन सा है। ये है आपका मेघालय, ये है असम, ये है त्रिपुरा, ये है आपका मिजोरम, ये है मणिपुर, ये है नागालैंड और ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं ये है आपका सिक्किम। ठीक है, अब पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ये आप देख रहे हैं ये नदी जो बह रही है ये मेन नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से है, तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से। यहाँ पे जो है ये है मानसरोवर झील। ठीक है, सरोवर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और उसके बाद ये नदी सीधे बहते हुए यहाँ से एक पर्वत है जिसको बोलते हैं नामचा बरवा। नामचा बरवा के पास से ये सीधे मुड़ जाती है। ठीक है, सीधे मुड़ते ही ये कहाँ प्रवेश करती है, ये आपका है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं तिब्बत में, कल भी बताए थे तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद ये सांगपो नदी के नाम से प्रवाहित होते हुए ये नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इस नदी का नाम हो जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ही क्या हो जाता है, दिहांग नदी। दिहांग नदी बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है, दिहांग नदी। दिहांग नदी के नाम से जब ये अरुणाचल प्रदेश में बहती है उसके बाद ये नदी प्रवेश करते हुए कहाँ आ रही है, असम में आ रही है। असम में इस नदी को क्या बोलते हैं, असम में इस नदी को बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। असम में इस नदी को क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी असम से प्रवाहित होते हुए यहाँ से शिलोंग, ये शिलोंग, शिलोंग की घाटी, शिलोंग का पठार के पास से ये बांग्लादेश में मिल जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं, जमुना नदी। बांग्लादेश में ही ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं, जमुना नदी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से एक नदी निकलती है, ये नदी निकल रही है, ये देखना है, ये है तिस्ता नदी। तिस्ता नदी सिक्किम से निकलती है। तिस्ता नदी कहाँ से निकलती है, सिक्किम से निकलती है। ये नदी है तिस्ता नदी। तिस्ता नदी सिक्किम से निकल करके बांग्लादेश में मिल जाती है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। उसके बाद ये नदी आगे प्रवाहित होती है तो इधर से आती है गंगा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, पद्मा नदी। तो गंगा नदी जो पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवाहित होती है ये आकर के जमुना नदी से, जमुना नदी से यहाँ पे आकर के मिलती है। उसके बाद दोनों संयुक्त धारा आगे बढ़ती है जिसको किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब आगे नदी प्रवाहित होती है तो पद्मा नदी में एक और नदी आकर के मिलती है यहाँ से जिसको बोलते हैं मेघना नदी। मेघना नदी कहाँ से निकलती है, मणिपुर से निकल रही है। मेघना नदी मणिपुर से निकल करके बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से आकर के मिलती है जिसका नाम यहाँ पे क्या हो रहा है, पद्मा हो रहा है। पद्मा और मेघना जब संयुक्त धारा आगे प्रवाहित होती है तो किस नाम से प्रवाहित होती है, उसे बोलते हैं मेघना नदी। मेघना, मेघना नदी के नाम से आगे ये प्रवाहित होती है और फिर ये बांग्लादेश, ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो यहां से अब देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकल रही है, मानसरोवर झील से निकल रही है। उसके बाद इस नदी का क्या नाम हो रहा है, सांगपो, ब्रह्मपुत्र नदी का। उसके बाद जब अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसका नाम दिहांग हो जाता है। उसके बाद जब यही नदी असम में प्रवाहित होती है तो इसी का नाम क्या हो रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी हो रहा है। उसी के बाद यही नदी जब आगे बांग्लादेश में प्रवाहित होती है तो क्या नाम हो जाता है, जमुना हो जाता है। इस टाइप से देख रहे हैं
कि ब्रह्मपुत्र नदी का चार नाम हो गया, एक सांगपो, एक दिहांग, एक ब्रह्मपुत्र और एक जमुना। यहां से चार क्वेश्चन आपका कभी भी पूछ सकता है। पूछ सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी चाइना में किस नाम से जानी जाती है या फिर तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, तो क्या नाम हो जाएगा? सांगपो नदी। पूछेगा ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते हैं। उसके बाद पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी जब असम में प्रवाहित होती है, असम के घाटी में प्रवाहित होती है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा जब ब्रह्मपुत्र नदी भारत से क्रॉस करके, भारत से पार करके जब बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसके सहायक नदी। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक दो सहायक नदी है, दिबांग और लोहित, और यहाँ पे एक नदी है तीस्ता नदी। ठीक है, और एक नदी यहाँ पे है मेघना नदी। तो मेन रूप से इंपॉर्टेंट नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी की चार सहायक नदी होगी, एक दिबांग और लोहित। दिबांग और लोहित दोनों नदी कहाँ प्रवाहित होती है? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में दिबांग और लोहित किससे मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी से आकर के मिलती है। एक नदी यहाँ पे तिस्ता नदी, तिस्ता नदी जो है ये निकल रही है सिक्किम से, सिक्किम से निकल करके बांग्लादेश में मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी से। और एक नदी ये है मेघना नदी जो कि मणिपुर से निकल करके बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। तो मेन कहानी यहाँ तक हो गया। इसके बारे में कल भी पढ़े थे कि ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवाहित होती है तो सबसे पहले ये गंगा से मिलती है, जो कि गंगा बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से जानी जाती है। यानी कि दोनों का नाम यहाँ पे चेंज हो रहा है, गंगा का नाम हो रहा है बांग्लादेश में पद्मा, और ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बांग्लादेश में हो रहा है जमुना। यानी कि पद्मा और जमुना नदी दोनों की संयुक्त धारा आगे किस नाम से जानी जाती है? यहाँ से यहाँ तक किस नाम से जानी जाती है? यहाँ से यहाँ तक ये बहती है पद्मा के नाम से। उसके बाद पद्मा में आकर के क्या मिल रही है? मेघना नदी आकर के मिल रही है। मेघना और पद्मा नदी की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। अब मेघना ये फिर आकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी लास्ट में किस नाम से आकर के बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो मेघना के नाम से आकर के मिलती है। यहाँ से भी दो तीन क्वेश्चन आपका बन सकता है। एक तो ये बनेगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद पूछेगा कि बांग्लादेश में पद्मा और जमुना नदी की संयुक्त धारा आगे प्रवाहित होती है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो होगा पद्मा के नाम से आगे प्रवाहित होती है। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा कि पद्मा और मेघना नदी जब आगे संयुक्त धारा प्रवाहित होती है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना के नाम से जाना जाता है। इतना क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी में ज्यादा कुछ है नहीं, मेन छोटा छोटा है, उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत सारा बन सकता है, क्योंकि इसका चार नाम तो यही चेंज हो रहा है, चार जगह इसका नाम चेंज हो रहा है, याद रखना है। जो भी इंपॉर्टेंट नदी है इसका, ये निकल रही है मेघना नदी, कहाँ से निकल रही है? मणिपुर से निकल रही है और बांग्लादेश में मिल रही है। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी कितने देश से होकर के पार कर रही है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है, एक तो चाइना में, दूसरा इंडिया में, और तीसरा बांग्लादेश, तीन देशों से होकर के प्रवाहित होती है। पूछ सकता है दिबांग और लोहित, दिबांग और लोहित किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। दोनों नदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो दोनों नदी, ये कौन सा स्टेट है? ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये नदी कहाँ प्रवाहित हो रही है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनेगा तिस्ता नदी कहाँ से निकल रही है? तिस्ता नदी सिक्किम से निकलती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। ठीक है, इतना ही इससे क्वेश्चन बनेगा आपका, इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं। एक यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ये आप देख रहे हैं, ये एक नदी द्वीप जिसको बोलते हैं माजुली, माजुली नदी द्वीप, ये आपका है माजुली।
माजुली एक ऐसा नदी द्वीप है, द्वीप नहीं बोलेंगे, ये है नदी का द्वीप। ऐसे द्वीप जो होता है वो समुद्र में होता है, सागर में होता है, लेकिन ये नदी में एक ऐसा द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। माजुली जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और ये कहाँ पे है? तो असम में है। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? माजुली। कहाँ पे है? तो असम में है, ठीक है। और एक यहाँ से है, ये है नामचा बरवा चुकी, ठीक है। तो जब यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकल करके यहाँ डायरेक्ट प्रवाहित होती है, तो यहाँ पे एक गर्ज का निर्माण करती है। गर्ज का मतलब होता है कि जब यहाँ पे नदी, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से मुड़ती है, तो पत्थर जो यहाँ पे पहाड़ है, जो पर्वत यहाँ पे है, उसको दोनों साइड से बहुत खाई बना करके नीचे प्रवाहित होती है। जैसे कि एक साइड पहाड़ इधर है और बीच में ये खाई है, इस टाइप से नदी इसमें प्रवाहित हो रही है, ठीक है। दोनों साइड के पहाड़ को काट करके बहुत गड्ढा करते हुए ये नदी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है। इसी को बोलते हैं गर्ज। ये जो इतना बहुत पतली सी पूरा पट पूरे जो पहाड़ को है काट करके प्रवाहित होती है, उसी को बोलते हैं गर्ज। यहाँ पे गर्ज का निर्माण करती है, क्योंकि यहाँ जो नामचा वर्मा चोटी उसको काट करके अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है, उसके बाद यह सबसे होते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित हो जाती है, ठीक है। तो इसमें इतना ही था जो भी छोटा है, लेकिन इसमें बहुत सारा छोटे छोटे क्वेश्चन बने हैं जो कि हमने बता दिया है आपको, ठीक है। इसके बाद आपका ये जितना भी था हिमालयी नदी, इसके बारे में सारा पढ़ चुके हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, यह हो गया ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बाद हम कल से पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदी, ठीक है। इसमें एक होगा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, उसके बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।